हमारे चिंतकों ने कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे इतिहासकारों ने कहा है कि परिवर्तन ही जीवन है। तो क्या सारे परिवर्तन बेमानी है? अगर परिवर्तन बेमानी नहीं है तो ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसे हम अपनाएं और ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसे हम ठुकराएं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, दुनिया में हर समय परिवर्तन होते हैं, ये प्रकृति का नियम है और यही जीवन है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि कौन से परिवर्तन हमारे अनुकूल है और प्रतिकूल है। बस इतना ध्यान देना। अब इस बात को बागवत जी कहते हैं एक सूत्र में। अब आपने पूछ लिया तो वो सूत्र भी बन। वो ये कहते हैं कि जिस आबो हवा और परिस्थिति में आप रहते हैं उसमें रहते हुए जो परिवर्तन होगा वो आपके अनुकूल है, और जो आबो हवा और परिस्थिति में आप नहीं रहते हैं वहां जो परिवर्तन होगा और आप उसको धारण करेंगे वो आपके प्रतिकूल है। अब मैं इसको और स्पष्ट करता हूं। यूरोप और अमेरिका में पिछले 100 साल में जितनी रिसर्च हुई वो उनके लिए बहुत अनुकूल है, उनके लिए। रेफ्रिजरेटर यूरोपियन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। जब मैं ये भाषण जर्मनी में दूंगा तो उल्टा ही बताऊंगा उनको। मैं कहूंगा जरूर रेफ्रिजरेटर लाओ, माइक्रोवेव ओवन भी रखो। उनके लिए बहुत अनुकूल है क्योंकि उनकी कंडीशन में वो परिवर्तन हुआ है। हमारी कंडीशन में जो हम परिवर्तन करेंगे वो हमारे लिए अनुकूल होगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, चक्की है, चक्की तो चक्की में एक परिवर्तन आज हुआ है, पहले वो नहीं था, आज हुआ है। हमने चक्की में बियरिंग लगा दिया है, पहले चक्की में बियरिंग नहीं होता था, खाली वो एक ऐसा लोहे का वो डंडी होता था और उसके चारों तरफ हम उसको चाकू घुमाते थे, बीच में लकड़ी का एक उसमें वो लगाते थे, वो लकड़ी का हमने निकाल के उसमें बियरिंग लगा दिया। ये भी परिवर्तन हुआ, ये हमारे अनुकूल बैठता है क्योंकि बियरिंग लगने के बाद उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हुआ, और फ्रिक्शन कम हुआ तो हम कम श्रम में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। श्रम तो हो ही रहा है, लेकिन जितने श्रम में हम पहले 1 किलो आटा लेते थे उतने ही श्रम में अब 3 किलो आटा मिल रहा है। ये भी परिवर्तन है, लेकिन ये हमारे अनुकूल है। इसी तरह से और एक उदाहरण दो, हमारे कुछ कार्यकर्ता है पूना में, उन्होंने बैलगाड़ी के पहिए में भी बियरिंग लगा दिया, परिवर्तन यहां भी हुआ, नई बैलगाड़ी बनी उसमें बियरिंग का पहिया। अब उसका क्या हुआ कि बैल को खींचने में मदद हो गई। पहले बैल 1 टन अनाज लेके जाता था, अब बियरिंग लगी हुई बैलगाड़ी में वही बैल 3 टन लेके जाता है और बिना थके हुए। तो ये भी परिवर्तन। जी एक बच्चा पूछ रहा है, पूछो, इलेक्ट्रिक गैस का यूज करना क्या नहीं? ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी हो तो ठीक है। अगर आपके पास उसका कोई विकल्प नहीं है तो जरूर इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अगर विकल्प है, भारत में तो है ये मैं जानता हूं, इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं है। जी, आबो हवा से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जैसे राजस्थान में गेहूं की बहुतायत होती है और यहाँ पे चावल की होती है, यहाँ पे चावल के खाने के आइटम ज्यादा होते हैं, तो क्या ये सही होगा कि यहाँ चावल का हम खाने में चावल का उपयोग ज्यादा करें? बिल्कुल सही होगा। आप इस समय चेन्नई में रहते हैं, तमिलनाडु और पूरा एरिया चावल के लिए मशहूर है, तो आप चावल ही ज्यादा खाइए। और इसको ज्यादा आगे बात गहरी बता देता हूँ, यहाँ की जो मिट्टी है तमिलनाडु की खेतों की मिट्टी और राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ की मिट्टी आप अगर देखोगे तो वो ऐसी है जो पानी को ज्यादा देर पकड़ के रखेगी, और राजस्थान की मिट्टी रेतीली है जिसमें पानी टिकेगा नहीं। ये भगवान ने अच्छे से बनाया है। राजस्थान के लोग जहाँ रहते हैं, जिस तापमान में रहते हैं, जिस आबो हवा में रहते हैं, उनको शरीर में कुछ ऐसे केमिकल ज्यादा चाहिए, तो वो उस मिट्टी में ही है जो रेतीली है। आप जहाँ रहते हैं यहाँ की आबो हवा तापमान राजस्थान से भिन्न है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आपको वो केमिकल नहीं चाहिए, तो भगवान ने ऐसी मिट्टी बनाई। तो यहाँ की मिट्टी से जो चावल पैदा हो रहा है वो आप ज्यादा ही खाइए। गेहूं राजस्थान से लाकर खाने की कोशिश मत करिए। माने आप अगर ये कोशिश करेंगे तो तकलीफ आपको आने वाली है, इसलिए आबो हवा का ध्यान रखिए। चावल के प्रिपरेशन यहाँ ज्यादा है वो आप ज्यादा खाइए। अब समस्या आपके साथ ये है कि आप राजस्थान से आ तो गए, राजस्थान छूटा नहीं आप सबसे, वो छूटता नहीं है, समस्या वहां आती। हम बिहार से आ गए तो सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन नहीं हुआ, मन अभी भी है राजस्थान में। माने मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूं कि अनुकूल परिस्थिति हो गई तो आप वापस राजस्थान चले ही जाएंगे, क्योंकि मन नहीं छूटा, मन नहीं छूटा है इसलिए आपका स्वाद भी नहीं छूटा।
ये सब मन का खेल है। मन से सारे स्वाद और वो सब जुड़े, मन नहीं छूटा तो स्वाद नहीं छूटा। तो आप फिर गेहूं मंगवाते हैं और उसको रोटी बना के खाते हैं, वो स्वाद के लिए तो ठीक है, पौष्टिकता के हिसाब से आपके लिए चावल ज्यादा ठीक है। तो शायद आपने एक बैलेंस बना लिया है कि रोटी भी खाते हैं चावल भी खाते हैं, यही है ना। तो इसी को चलने दीजिए। मैं आपका मन छुड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप परमानेंट यहां रहे। एक दिन राजस्थान तमिलनाडु से अच्छा हो जाए तो आप चले जाएं, ये मैं चाहता हूं। तो मेरे लिए वो स्वदेशी के लिए अच्छा है। तो आप मन को और स्वास्थ्य को बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस इसमें यह है कि दो तीन रोटी खा लीजिए और थोड़ा चावल खा लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए। थोड़ा इडली खा लीजिए और थोड़ा हलवा खा लीजिए, हलवा इडली के साथ जरूर खा लीजिए बैलेंस के लिए। थोड़ा डोसा खा रहे हैं तो थोड़ा बाजरी का रोटी का एक आध टुकड़ा या आधा बाजरी की रोटी का, ये मैं बताऊंगा आपको आने वाले समय में किसके साथ क्या खाएं और आपका बैलेंस बना रहे टिका रहे। लेकिन इसको ध्यान में रखिए कि आप स्वास्थ्य के लिए थोड़ा, क्योंकि मन भी अगर आपका बहुत दुखी हुआ तो स्वास्थ्य खराब हो गई, ये भी मैं बता। रोटी नहीं मिलेगी तो मन खराब होगा तो उसका असर शरीर पे आएगा, इसलिए मन और स्वास्थ्य को बैलेंस करिए। जी जी, आखिरी सवाल। हाँ राजीव भैया, ये जो आपने बोला कि एल्यूमिनियम खाने के हिसाब से बहुत गंदी चीज है, तो आज जो भी खाना पैक हो रहा है वो एल्यूमिनियम फाइल या वो जो भी चीज है वो उसमें अंदर यूज आ रहा है, मतलब जो साइंस के हिसाब से जो भी जो पैकिंग वगैरह हो रहा है उसमें एल्यूमिनियम पे ज्यादा जोर देते हैं, तो एल्यूमिनियम में पैक आपका फ्रेशनेस रहेगा, इसके ऊपर थोड़ा बहुत बोलिए। मेरा आपको एक विनती है, क्योंकि ये मैं करके देख लिया है, एल्यूमिनियम फॉइल में जो आप खाना पैक करते हैं ले जाने के लिए रास्ते में, ये बहुत ही खराब है, अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे जी किस में पैक करें, खाना कपड़े में पैक करना सबसे अच्छा है। कपड़ा पड़ा सूती कपड़ा होता है ना, पतला एकदम पतला, उसमें जो रोटी बांध के आप रखें वो दुनिया का सबसे अच्छा पैकिंग है, वो विज्ञान के हिसाब से बहुत अच्छा है। पतले सूती कपड़े में रोटी बांध कर रखना सबसे अच्छी पैकिंग है।